इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। यहाँ पे भारत अपने क्वाड पार्टनर्स ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के साथ मिलके जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस, नेवल ड्रिल्स बेसिकली कर रहा है, और इसको फ्रांस जो है वो लीड कर रहा है। फ्रांस के कहने पे ये हो रही है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि क्वाड, जिसको अमेरिकन्स ने और इंडियंस ने, जापानीज ने और ऑस्ट्रेलियंस ने प्लान किया, लेकिन फ्रांस यहाँ पे अपनी जो है वो जो अपनी अपना रोल चाहता है इंडो पैसिफिक के अंदर। फ्रांस अपना रोल क्यों चाहता है, मैं इसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और ये जो एक्साइजेस है, नेवल एक्साइजेस, इनका नाम है ला पेरोज, और ये 18वीं सदी में एक फ्रेंच नेवल ऑफिसर और एक्सप्लोरर थे, उनके नाम पे ये हो रही है। तो ये एक बड़ी, इस एक्सरसाइजेस में बेसिकली तो फ्रांस लीड कर और बाकी के पार्टनर्स हैं, लेकिन बेसिकली मकसद क्या है इन सारी एक्सरसाइजेस का, और जो मकसद जो है वो समझने की जरूरत है। देखिए, बेसिकली चार बड़े मकसद हैं इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस में, इन नेवल एक्सरसाइजेस में, और इंडिया आपको पता है इसमें एक सेंटर स्टेज लेके बैठा हुआ है, बिकॉज सारे के सारे जो वेस्टर्न, जो ट्रांस एटलांटिक पार्टनर्स है वो सारे यहाँ आ गए। पहली चीज जो मेन चार प्रायोरिटीज हैं, उनमें पहली प्रायोरिटी ये है कि रीजनल स्टेबिलिटी, और रीजनल स्टेबिलिटी आएगी थ्रू सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। जो दूसरी टॉप प्रायोरिटी है, जो इस नेवल ड्रिल का भी मकसद है, वो है कि जी आपने फ्री एंड ओपन एक्सेस टू मैरीटाइम लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, इसको प्रिजर्व करना है। और जो थर्ड प्रायोरिटी है वो है स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी प्राइमरली ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, ये जिन ममालिक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की बात होती है। जो चौथी प्रायोरिटी है वो है बेसिकली जो कैटास्ट्रॉफिक, जो क्लाइमेटिक इवेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि अब ये कहा जाता है कि जो नेचर है वो भी जियोपॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। तो चार बड़ी चीजें हैं बेसिकली जिनमें ये सारी डेवलपमेंट हो रही है। और मुझे एजाज हासिल है, आई पर्सनली फाइंड इट वेरी प्राउड के लास्ट ईयर 2020 में फ्रांस के अंदर फ्रेंच मिलिट्री और फॉरेन ऑफिस ने एक बेसिकली अपना ब्लूप्रिंट दिया था, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लेके पाकिस्तान तक लोग बुलाए हुए थे, पूरे खित्ते के लोग आए थे, और मैं भी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, और जो हमने पेरिस में अटेंड की, जहां पे हमें बताया गया कि बेसिकली फ्रांस की मिलिट्री की क्या जो है वो उनका व्यू क्या है और उनका विजन क्या है। अब अगर देखा जाए, फ्रांस इस सारे अपरेटस को लीड तो कर रहा है, और फ्रांस अपने आप को एक कहता है कि जी वो मिड साइज पावर, और फ्रांस क्यों कहता है ये, उसकी वजह यह है कि फ्रांस के वहां पे आइलैंड्स हैं। आपको बड़े कम लोगों को पता है कि फ्रांस जो है वो उसके आइलैंड्स हैं। फ्रांस के इंडियन ओशन में भी आइलैंड्स और पैसिफिक ओशन में भी आइलैंड है, और फ्रांस चाहता है कि अलॉन्ग विद इंडिया वो अपने एक जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके और खित्ते में अपना असर वसूख भी इस्टेब्लिश कर सके। फ्रांस की ये जो एंट्री है इंडो पैसिफिक में, उसकी कुछ वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि जब आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप का जमाना था, तो जो एक हम लफ्ज बोलते हैं आइडिएशनल लीडरशिप, वो जो नजरियाती लीडरशिप थी, उससे अमरीका पीछे हट रहा था, तो फ्रांस ने सोचा दिस इज द राइट टाइम टू गेट इन टू द रीजन। सेकेंड चीज ये है कि जो फ्रांस जो है वो समझता है कि हम इस खित्ते के पार्टनर हैं। फ्रांस समझता है कि हम इस खित्ते के पार्टनर हैं, वो क्यों, जैसे मैंने बताया कि फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज हैं इंडियन ओशन के अंदर, जिनके नाम है ग्लोरियस आइलैंड्स, टोमेलिन, स्कैटर्ड आइलैंड्स, रीयूनियन, करगुलेन आइलैंड और कुछ और सेंट पॉल आइलैंड्स हैं। इसी तरह फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज पैसिफिक ओशन में भी हैं, जिसमें न्यू कैलिडोनिया, फ्रेंच पोलिनेशिया और कुछ और हैं। सो ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनके ऊपर फ्रांस का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है, और फ्रांस समझता है कि ये हमारे एक्टिव कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, जिनको जो रीजनल पावर्स हैं दे मस्ट रिस्पेक्ट देम।
ये फ्रांस कहता है। और नॉर्मली बड़े कम लोगों को पता है, जब मैं फ्रांस गया और मैंने इस सारी प्रेजेंटेशंस को और सबको समझा, तो आई केम टू नो कि ये तो फ्रांस की जो ये ओवरसीज टेरिटरीज हैं, ये बड़ा बहुत बड़ा इशू है और वो इसको इस्तेमाल करना चाह रहा है। तकरीबन फ्रांस के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा सिटीजन जो है वो इन टेरिटरीज में रहते हैं, और फ्रांस के बकौल तकरीबन 9 मिलियन किलोमीटर का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो फ्रांस कवर करता है। और फ्रांस की अपनी भी तकरीबन 40% जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो यहाँ पे है, इस रीजन में है। सो फ्रांस को जारी बात है इंडिया की इस हवाले से जरूरत है, इंडिया क्योंकि ऑलरेडी क्वाड का मेंबर था और क्वाड में इंडिया की बड़ी अहमियत है। सो फ्रांस की अपनी बायलैटरल रिलेशनशिप जो है वो बहुत मजबूत है इंडिया के साथ, जिसको मैं डिस्कस भी करना चाहता हूँ कि फ्रांस इन नेवल ड्रिल्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग जिसे आप कह लें कि रिलेशनशिप फ्रांस का बनता है। और ये जो रिलेशनशिप है इसको जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगी कि फ्रांस ने और इंडिया ने किस तरह अपने आप को इतना करीब कर लिया है। एक तो जारी बात है कि 36 राफेल एयरक्राफ्ट की डील 2016 में हुई, फिर मार्च 2018 के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ कि 6 जो यूरोपियन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स बने हैं जयपुर में, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये एक साइट है जहां पे ये रिएक्टर्स बने हैं। इसके साथ साथ दोनों ममालिक की इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी बहुत ज्यादा है और दोनों ममालिक ने अपने जो इंटरेस्ट है उसको अलाइन भी किया हुआ है। और अगर देखा जाए तो जो बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशन है वो तकरीबन 12 बिलियन यूरो के हैं, 12 बिलियन यूरो के, और इसका जो टिल्ट है वो मोस्टली भारत के हक में है। और फ्रांस ये भी समझता है कि फ्रांस ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई है, तकरीबन कोई 540 सब्सिडरीज जो फ्रेंच कंपनीज हैं वो इस इंडिया में काम कर रही हैं, जो कि तकरीबन 3 लाख लोगों को जो है वो नौकरियां दे रही हैं। एंड अबव ऑल जो इंडिया का प्रोजेक्ट है कि स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम है, उसमें भी जो फ्रेंच कंपनीज हैं वो हैविली इन्वेस्ट कर रही हैं। अच्छा, अब ये सिर्फ एक मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं है, ये कल्चरल भी कोऑपरेशन है, ये साइंटिफिक कोऑपरेशन भी है, टेक्निकल कोऑपरेशन। गाइस, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से बात कर रही है इंडिया और फ्रांस के जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं और जो आगे नई एक्टिविटीज़ होने वाली है उसको लेकर। आपको बता दें पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है, अगर भारत भूटान के साथ भी कुछ बात करे, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, दुनिया के किसी भी देश के साथ कोई भी एक्टिविटी या कोई भी साझेदारी या कोई भी नया इन्वेस्टमेंट या कोई भी नया प्रोजेक्ट साइन करे तो पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन आता है और पाकिस्तान के लोगों का ये पागलपन है। आपको बता दें रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अभी भारत आने वाले हैं, अमेरिका के अभी आके चले गए, आपको भी पता ही है, उसको लेकर पाकिस्तान में डिस्कशन हो रहा है। पाकिस्तान मतलब एक क्या सोचता है समझ में नहीं आता उसको, क्या इनका बेवकूफ़ी है, क्वाड बन रहा है तो आपको क्या लेना देना भैया, आप तो दल्ले हो, जो पैसा देगा उसके साइड हो जाओगे। आपको चाइना ने बोल भी दिया कि एक कॉल पर अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करने वाले देश से, मतलब उनका टारगेट सीधा सीधा था पाकिस्तान में, ये बयान दिया गया था ईरान में। आपको बता दें कि चाइना ने ईरान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का एक मतलब प्रोजेक्ट साइन किया है ईरान के साथ, हालांकि चाइना एक ऐसा देश है प्रोजेक्ट के मतलब अमाउंट तो इतना बड़ा होता है लेकिन वो डिलीवर कभी नहीं हो पाता। आपको भी पता है पाकिस्तान के साथ एक कितना बड़ा अमाउंट था सीपैक का और डिलीवर तो हो नहीं पाया। सीपैक को लेकर पाकिस्तान ने इतना ढिंढोरा पीटा, अब सीपैक की तो पूरी तरह से हवा निकल चुकी है। तो फ्रांस और भारत के रिश्ते तो आपको पता है कितने गहरे हैं। फ्रांस से भारत ने लिए हैं राफेल विमान, राफेल विमान आप जानते हो दुनिया के सबसे अपडेटेड विमान में से एक है, और ये विमान मतलब भारत में लगभग लगभग अभी फर्स्ट और सेकंड डिलीवरी हो चुकी है, थर्ड डिलीवरी बहुत जल्दी होने वाली है। तो राफेल विमान फ्रांस से ले चुका है भारत, और राफेल विमान के साथ साथ आपको पता है कि फ्रांस ने एक कुछ ऐसे लॉ पास किए हैं जिसके कारण दुनिया में उसका विरोध हुआ है, मतलब समझ सकते हो आप मैं बात कर रहा हूँ वो इस्लामी कानून, क्योंकि जो अटैक हुआ था वो फ्रांस में ही हुआ था और उसके बाद से फ्रांस ने कुछ स्ट्रिक्ट कदम लिए हैं। तो इसलिए फ्रांस के खिलाफ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के मुसलमानों में काफ़ी नफरत है, आपने देखा होगा बायकॉट फ्रांस ये वो। पाकिस्तान में तो फ्रांस की एम्बेसी को ही मतलब फ्रांस से हटाने की कोशिश की जा रही है, जबकि फ्रांस की कोई एम्बेसी है ही नहीं पाकिस्तान में। तो इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।